देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया स्ट्रेन फैल गया है। ये स्ट्रेन यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से आए हैं। इसके अब तक 194 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी 18 राज्यों की निगरानी शुरू कर दी है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन राज्यों से नए स्ट्रेन से जुड़े मरीजों की जानकारी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पूछा है। एमएसएमई और स्टार्टअप से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फाइनेंशियल सर्विसेज के पहलुओं पर चर्चा की। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत किसानों से कृषि उत्पादों को बेहतर बनाने वाली इकाइयों से, एमएसएमई से और स्टार्टअप से बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ बड़े उद्योगों या बड़े शहरों से नहीं बल्कि गाँव में, छोटे शहरों में छोटे छोटे उद्यमियों के, सामान्य भारतीयों के परिश्रम से बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का वर्चुअल मोड से उद्घाटन किया। इसमें देशभर के विभिन्न राज्यों से 1200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन के बाद खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेलो इंडिया के तहत हर जिले में एक सेंटर विकसित किया जाएगा। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को 93 दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच सिंघू बॉर्डर से एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें नियम सिख नेता बाबा राज सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि जो आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा उसकी पंजाब में फिल्म नहीं बनने देंगे, उसे पंजाब में घुसने नहीं देंगे। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि अब उन्हें देश के किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं है, इसलिए एक नई पार्टी बनाई जाएगी, इसमें सभी किसान मजदूर शामिल होंगे। अगला प्रधानमंत्री किसान होगा और राष्ट्रपति मजदूर। पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले की आज अब व्यापारियों, अफसरों और तृणमूल नेताओं तक पहुंच गई है। सीबीआई और ईडी ने शुक्रवार को तृणमूल के करीबी बिजनेसमैन के ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे साउथ कोलकाता आसनसोल स्थित घर और दफ्तरों पर मारे गए हैं। एजेंसियों ने 15 जगहों पर छापा मारा है। जांच में सामने आया है कि कोयला तस्करी के दौरान कई अफसरों, नेताओं ने घूस भी ली थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को उड़ाने के लिए बम लगा रहे थे नक्सली, ब्लास्ट हुआ तो पेड़ पर लटके मिले चिथड़े। कांकेर के आमा बेड़ा में एक नक्सली के शव के चिथड़े पेड़ पर लटके मिले। साजिश तो सुरक्षा बलों को निशाने बनाने की थी, लेकिन शिकार खुद नक्सली हो गए। बम लगाते वक्त ब्लास्ट हुआ और एक नक्सली की मौके पर ही मौत हो गई, दो घायल हुए। केरल में सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को एक महिला पैसेंजर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक महिला के पास से 100 जिलेटिन की छड़ें और 350 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। इतना विस्फोटक मिलने के बाद बड़े धमाकों की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, पर अभी तक अधिकारियों ने इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया है। अगले महीने शुरू हो रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के लिए इंडिया लीजेंड्स टीम की घोषणा हो गई है। इस टीम में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में 12 खिलाड़ियों का नाम है। सीरीज में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाड़ी आज शाम को रायपुर पहुंच गए हैं। सीरीज के सभी मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने हैं।